तो क्यों ना एक ऐसा तरीका ढूंढा जाए जो पाकीज़ा तरीका हो, जो सही इस्लाम को समझते हों। और वो समझने वाले कौन हो सकते हैं? वो एक ही हो सकते हैं कि वो सहाबा हो सकते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लम के साथ में थे। तो उनके तरीके को अपनाया जाए कि वो क्या कहते हो, किस तरीके से वो कुरान और सुन्नत को समझते थे और उस पर वो चलते थे, तो उस तरीके से हम उसमें चलें। तो ये जो तरीका है जिसको कहा जाता है, और किताबों में भी हमको मिलता है कि इन तरीके को जो चलते थे उनको कहा जाता है सलफ़, यानी सलफ़ी एक मनज। यह तो अभी ये भी हो चुका है कि एक सेल्फी ग्रुप भी हो गए। अब पहले तो ये था कि सेल्फी एक मनस था कि ये लोग जो चले आ रहे हैं जिन्होंने सहाबा से इल्म सीखा, फिर उसके बाद उनसे इल्म सीखा, तो वो एक उनको कहते हैं सलफ़। तो वो सलफ़ उसके अंदर सभी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है कि हम जो चलते आ रहे हैं जो उस तरीके पर समझे हैं दीन को, तो वो भी इसके अंदर सलफ़ हैं। तो जितने भी लोग गुजरे हैं वो चाहे आज के भी हों लेकिन उस तरीके पर है तो वो भी सलफ़ी हैं। तो सलफ़ का मानना ये नहीं होता कि सलफ़ एक ग्रुप है या एक गिरोह है या एक फ़िरका है। सलफ़ यानी जो सहाबा के तरीके पर, तबे तबीईन के तरीके पर चला, उसको जो है सलफ़ कहा जाता है। तो अगर हम कुरान के अंदर या हदीसों के अंदर हम देखते हैं तो हदीस के अंदर मिलता है कि वो सलफ़ कौन है। तो अल्लाह के रसूल सल्लम यह फरमाए, सही बुखारी की रिवायत हदीस नंबर 3650 के किसी ने सवाल किया और अल्लाह के रसूल सल्लम से फरमाया, तो उन्होंने कहा कि कौन सही जो है उस पे है, सही मनस पे रहेगा या कौन चलेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद जो मेरे तरीके पर हैं और जो मेरे बाद और वो उसके बाद, यानी तीन वहाँ पर हमको बताया कि तीन लोग सही तरीके पर, उसके बाद में फिर मुख्तलिफ गिरोबंदी हो जाएगी। तो तीन तरीके हमको इसके अंदर मिलता है। तो हकीकत में यह है कि सहाबा, ताबेईन और तबे ताबेईन ये सलफ़ में से कहलाते हैं, और उसके बाद जिन्होंने इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी या गुजार रहे हैं आज भी, वो भी सलफ़ में ही आते हैं। लेकिन सलफ़ एक ग्रुप नहीं है, या फिर आजकल जो है सलफ़ी कहकर भी ग्रुप हो गए हैं, वो अपने आप को कह देते, तो फिर लोग उनसे भी वज्जन हो जाते हैं कि यार ये तो अपने आप को सलफ़ी कह रहे हैं तो इनके तरीके पर चलने की बात हो रही है। लेकिन ये अभी है कि कुछ लोगों ने ग्रुप भी बना लिया कि सलफ़ी ग्रुप है हमारा, लेकिन असल में सलफ़ कहा उसको जाता है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है। और अब पुरानी किताबें पढ़ते तो उसमें ये चीज़ें हमको उसमें मिलती हैं जो मुहद्दिसीन उसमें लिखते हैं कि सलफ़ ने ये कहा, खलफ़ ने ये कहा। खलफ़ कौन? जो सलफ़ की मुखालफत करने वाले, तो ये उन्होंने ये कहा, तो ये हमको उसके अंदर भी मिलता है। और सहाबा के बाद में भी कई लोग आए भी हैं कि जिनको पुराने वक्तों में नाम दिया गया, जो किताबें पढ़ते हैं हम तारीख की तो उसमें मिलता है कि जो एक आए जो अपनी राय से फैसला करते थे तो उनको कहा गया कि एहलुर राय हैं, जो हदीस को मानते थे तो वो अहले हदीस भी कहलाए, तो ये उसके अंदर भी हमको मिलता है। एहलुर राय यानी कि राय, अपनी राय से वो समझते थे कि हम ऐसा समझते हैं, हम इसको हदीस को फॉलो नहीं करते, हम कुरान को ऐसे समझते हैं, तो उसको कहा जाता है कि वो खलफ़, जिन्होंने जो है इनकी मुखालफत की।